नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों आज उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने लगातार 4 नोटिस अपलोड की है। जैसा काफी दिन से इंतजार हो रहा था कि 2022 की जो वैकेंसी जून स्टैंड निकाली गई थी उसकी जो टाइपिंग टेस्ट है वह कब होगा, तो उसकी जो टाइपिंग टेस्ट आपका शुरू हो रहा वह 19 दिसंबर 2024 से जो है यह प्रस्तावित है। आपके जो टाइपिंग शुरू हो रही है यह 19 दिसंबर शुरू होगी और उम्मीद की कम से कम महीना भर से ज़्यादा आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो जो काफ़ी इंतजार में थे वो लोग अपनी टाइपिंग जो है सीखना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे जो है लिए गए हैं। 1262 वाली जो वैकेंसी है उसमें ये उसकी बात हो रही है। तो टाइपिंग की जो डेट है वो आपकी निकाल दी गई है, 19 दिसंबर से आपकी टाइपिंग होगी। और यह प्रभाव इसलिए आपको नज़र आ रहा है कि 4 नोटिस आई है क्योंकि UPSC पे जो धरना है बच्चों का वो उसी का परिणाम है। क्या वह भीड़ कहीं लखनऊ में न चले, इलाहाबाद वाली भीड़, प्रयागराज की जो भीड़ है जो बच्चों की, वह लखनऊ की तरफ कुछ ना कर दे। इसलिए अध्यक्ष जी ने सोचा होगा कि नोटिस वोटिस जो भी बनानी है वो बना ना दो जल्दी से, कि हमारे ऊपर ना भीड़ आ जाए। और लेखा परीक्षक और सहायक लेखा परीक्षक जो सामान्य चयन की जो मुख्य परीक्षा आपकी होगी यह 5 जनवरी को होगी, 10 से 12 बजे के मध्य होगी। तो जो लोग भी लेखा परीक्षक सहायक लेखा की जो डेट का इंतजार कर रहे थे अपने पेपर की, उनकी जो डेट है वो निर्धारित कर गई है 5 जनवरी 2025 को जो आपका पेपर होगा 10 से 12 के मध्य। तो जो लोग भी ये फॉर्म भरे हैं वो लोग अपनी मुख्य परीक्षा जो है तैयारी शुरू कर दें। और इसका जो आप लोग जानते हैं सिलेबस वगैरह पहले आ चुका है तो उसके अनुसार अपना पढ़ना शुरू कर दें। इसके साथ ही एक्सरे टेक्नीशियन की जो मुख्य परीक्षा होगी वो आपके 15 दिसंबर को इसकी मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी एक्सरे टेक्नीशियन की, 10 से 12 के मध्य जो आपका पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। तो जितनी भी छोटी परीक्षाएं हैं उनका आयोग जो है पहले ही करा लेना चाहता है और बड़ी परीक्षाओं को आयोग जो है बाद में कराएगा। इसी प्रकार से दंत स्वास्थ्य विज्ञान की जो मुख्य परीक्षा होगी, विज्ञानी जो मुख्य परीक्षा है वो 5 जनवरी 2025 को होगी, 3 से 5 के मध्य। अर्थात आप लोग देख पा रहे होंगे आयोग इतनी तेजी से काम करना सोच रहा है कि एक ही दिन में 2 अलग अलग छोटी छोटी परीक्षा है वो समाप्त कर लें। ये भी आयोग द्वारा एक अच्छा कार्य है कि जल्द जल्द जो है छोटी छोटी परीक्षाएं जो है वो समाप्त हो जाएं। तो इस प्रकार जो है UPSC ने इस प्रकार के नोटिस जारी कर दिए हैं जिनमें आपका पेपर जो है टाइपिंग की भी डेट आपको पता चल गई, साथ में जो अन्य छोटे छोटे पेपर है उसकी भी डेट पता चल गई। उत्तर प्रदेश स्पेशल का कंप्लीट स्टडी मटेरियल हमारा कोर्स शुरू किया गया है। यह UPSC प्रीलिम्स, RO और अन्य उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी जो प्राइस है वह 999 रुपये है। ज्ञान सर कोड आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी उपलब्ध होगा। यह जो है 3 मंथ की वैलिडिटी के साथ जो है यह कोर्स आपको उपलब्ध होगा। यह जो कोर्स शुरू हुआ है यह 10 नवंबर 2024 शुरू हुआ है और इसकी जो वैलिडिटी होगी आपकी 3 मंथ की होगी। इसे आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप से जो है इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।